इब्राहिम रईसी की मौत होती है, लेकिन हाल ही में पूरे दुनिया में गूगल पे ट्रेंड करने लगते हैं अली खामेनी। कौन है इब्राहिम रईसी? दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर और ईरान के राष्ट्रपति, जो कि इस टाइम पर न्यूज में चल रहे हैं क्योंकि हाल ही में इनकी मौत हो गई है। इनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुई है। कि क्या ये एक हादसा है या फिर इसके अलावा कुछ और भी इसके ऊपर समीकरण है जो कि हो सकते हैं इनकी मौत के पीछे, इन सारी चीजों पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत होती है, लेकिन हाल ही में पूरे दुनिया में गूगल पे ट्रेंड करने लगते हैं अली खामेनी। कौन है अली खामेनी? यहां पर आप देख लीजिए, गूगल पर यह इस टाइम पर ट्रेंडिंग है। इसके अलावा रोहुल्ला खामेनी भी यहां पर गूगल पे ट्रेंड कर रहे हैं पूरे दुनिया में। मतलब ये क्या है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत होती है और ट्रेंड करने लगते हैं अली खामेनी। इन सारी चीजों पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ईरान के अगर दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह पहले पता होना चाहिए कि यह पूरे तरीके से मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री में भी ईरान एक ऐसा देश है जो कि जहां पर सिया मुस्लिम्स पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ईरान में आप ये मानकर चलिए 85 से लेकर 90% मुस्लिम पॉपुलेशन शिया है। अब अगर यहां पर हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इस मैप को समझिएगा, अभी धीमे धीमे आपको चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे समीकरण ऐसे बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो कि ईरान को फॉलो करती रहती हैं, उनका कहना है कि इसमें इसराइल का भी हाथ हो सकता है, और या फिर दूसरा पहलू यह कह रहा है कि इनकी मौत के पीछे इनके इंटरनल पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। अब कारण क्या हो सकता है, उन सारी चीजों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हो, ये हमारा देश है भारत। जब आप पश्चिम की तरफ इधर आते हैं थोड़ी दूरी पर, तो आपको यहां पर दिखने लगेंगे ये देश आपको ईरान यहां पर दिखाई दे रहा है। ईरान के पड़ोसियों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईरान का इधर से पड़ोसी जो आपको साउथ ईस्ट में दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान है। ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो यहां पर आपको अजरबैजान दिखाई दे रहा है। अजरबैजान के बराबर में जो देश आपको दिखाई दे रहा है, यह है अर्मेनिया। कौन सा देश है? अर्मेनिया। यहां पर लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको इसीलिए बता दिया है। अब ईरान से अगर आप इसराइल की तरफ आते हो तो यह इसराइल है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि ईरान से इसराइल सीधे नहीं पहुंचा जा सकता है, इसके बीच में इराक आता है और बीच में इधर जॉर्डन आता है। अगर आप ऊपर की तरफ से आना चाहोगे तो यहां पर आपको टर्की मिलेगा और सीरिया मिलेगा, तब जाकर आप इसराइल की तरफ पहुंच पाओगे। अब सवाल यह है कि क्या इसराइल ने ऐसा किया होगा या इस दुर्घटना के पीछे इसराइल का हाथ है? कि इसराइल कभी भी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज की डेट तक ईरान और इसराइल के बीच में जो भी कंफ्लिक्ट रहे हैं, इसराइल ने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इवन इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है हमास की पट्टी पर, उस पर भी आपको पता है ना ही फलस्तीन एक्सेप्ट करता है ना ही इसराइल करता है। तो इसराइल का यह नजरिया है। अब इसराइल यहां पर ईरान का दुश्मन क्यों है? जाहिर सी बात है, ईरान और अमेरिका के बीच में संबंध ठीक नहीं है और इसराइल फ्रेंड कंट्री है हमेशा से। किसका? आपको पता ही है, अमेरिका का। तो जाहिर सी बात है यहां पर इसराइल और ईरान आमने सामने आ जाते। करीब 1.5 साल पहले की बात है, ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी और यह एक्सरसाइज ईरान कंडक्ट कर रहा था। और हाल ही में देखते देखते पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ कि किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में आमतौर पर एक जो नेवल शिप है उसमें आग लगती है और उसके बाद वो अचानक से ब्लास्ट होता है और वो शिप वहीं का वहीं डूब जाता है। इवन आपको जानकर हैरानी होगी, ये ईरान का सबसे बड़ा शिप था। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, पहले भी इसराइल ये बोलता आया है कि ईरान के पास इतनी मात्रा में हथियार या इतने पोटेंशियल हथियार नहीं है कि ईरान इसराइल के ऊपर आक्रमण कर सके। लेकिन आपको बताता हूं, इसी साल 13 अप्रैल 2024 को एक मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से इसराइल में, और ये जब ये मिसाइल दागी गई तो उसके बाद ईरान ने ये बोला कि ये हमारी तरफ से अटैक नहीं हुआ है। उसके रिटेलिएट करते हुए इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर कई सारे ड्रोन अटैक किए गए, सेम इसराइल ने किया, इसराइल ने उसको मानने से मना कर दिया। तो एक तो समीकरण ये यहां पर बन रहा है। अब दूसरा समीकरण समझते हैं कि ये इंटरनल मैटर हो सकता है, पॉलिटिकल मैटर, या नहीं हो सकता है। ईरान एक ऐसा देश है जहां पर शिया मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, मतलब 85 से 90% तादाद शिया मुसलमानों की है। अगर ऊपर हम अजरबैजान की बात करें तो यह भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अजरबैजान में भी शिया मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है। यहां पर 65% पॉपुलेशन शिया मुसलमानों की है, 35% सुन्नी है। तो भैया सवाल यह उठता है, जब दोनों देशों में, ईरान और अजरबैजान में, शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद भी इनके बीच में कंफ्लिक्ट क्यों है? ये दोनों दुश्मन है, ईरान और अजरबैजान। उसके पीछे का एक रीजन है, एक युद्ध हुआ था 1990 के दशक में, यह युद्ध लड़ा गया था और इसको खारबात का युद्ध बोला जाता है। अब इस युद्ध का मतलब यहां पर समझिएगा,
अर्मेनिया में रहने वाले कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके, मतलब एज अ आप ये समझ लीजिए शरणार्थियों की तरह, अजरबैजान में जाकर रहने लगे थे। अब अजरबैजान में उन लोगों के ऊपर आक्रमण किया गया कि भाई तुम लोग शरणार्थी हो, तुम लोग अपने वापस जाओ, अपने देश में जाओ अर्मेनिया। तो अर्मेनिया गवर्नमेंट ने यहां पर इनको सपोर्ट किया था, मतलब अपने लोगों को सपोर्ट किया था इस बैटल ऑफ खारबत में 1990 में। तो यहां पर अर्मेनिया को सपोर्ट किया था ईरान ने, और तब से अजरबैजान ने यह कंडेम किया कि आप इनकी मदद कर रहे हो, और बाद में ईरान ने यह माना भी कि हां हमने अर्मेनिया की मदद करी थी। तब से अजरबैजान और ईरान के बीच में भी कंफ्लिक्ट चल रहे हैं। अब यहां पर एक और बात समझनी होगी, यहां पर ईरान यह भी दावा करता रहता है कि इसराइल जो है वो अजरबैजान का फ्रेंड कंट्री है, और ईरान यह दावा करता है कि इसराइल के जो जासूस हैं उनको अजरबैजान पना देता है, और वो कई सारे ऑपरेशंस ईरान के अंदर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जाके छुप जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके अजरबैजान। तो अर्मेनिया और ईरान ये दोनों फ्रेंड हुए, अजरबैजान और ईरान के बीच में नहीं बन रही है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान के अंदर एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। हालांकि दोनों के बीच में बनती नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में ये चीजें दिखानी पड़ती हैं। कई बार जो फोटो होती हैं ग्लोबल लीडर्स की वो सामने होती हैं, बट उनके रिलेशन वैसे नहीं होते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे आप ब्रिक्स में देखोगे कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ तो मिलाते हैं, लेकिन हमारे बीच में आपको भी पता है कि क्या चलता रहता है। उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति कभी अगर मिल रहे हैं या प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तो हाथ मिलाना पड़ता है बड़े एक डिप्लोमेटिक सिनेरियो में। हमारे देश में जो सबसे बड़ा पद है संवैधानिक तौर पर वो राष्ट्रपति का है, और आपको पता है प्रधानमंत्री एक तरीके से जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाते हो तो अमेरिका में हर एक चीज वहां के राष्ट्रपति के हाथ में होती है। वहां पर जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट तो पूरे अमेरिका का ही है, साथ में वो स्टेट का हेड भी माना जाता है, और जो वहां की तीनों सेनाएं हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ही होती है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब ईरान में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है समझिएगा। कई लोगों को ये लगता है आमतौर पर कि ईरान का राष्ट्रपति जो होता है वो ईरान का सर्वोच्च पद पर है, बल्कि ऐसा नहीं है। ईरान में जो सर्वोच्च पद है उसे बोला जाता है सुप्रीम हेड। क्या बोला जाता है? सुप्रीम हेड बोल लीजिए या सुप्रीम लीडर बोल लीजिए, जो कि यहां के राष्ट्रपति से ऊपर का पद होता है। और इस टाइम पर ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खुमानी। कौन है? अली खुमानी, जो कि इस टाइम पर ट्रेंडिंग पर है। अब ये ट्रेंडिंग पर क्यों है इसको समझना होगा। इब्राहिम रईसी जो है ये अपना दूसरा कार्यकाल सर्व कर रहे थे। यहां पर 4 साल का प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है, मैक्सिमम 8 साल तक वो सर्व कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। लेकिन समझिएगा यहां पर ईरान में आज तक केवल 2 लोग सुप्रीम लीडर हुए हैं। प्रेसिडेंट तो कई सारे हो चुके हैं, सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी होता है। आप यह समझ लीजिए कि ये जो प्रेसिडेंट होता है ईरान का, ये रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। सुप्रीम लीडर जो चाहेगा वही ईरान के अंदर होता है। आप ये समझ लीजिए वो होल सोल अथॉरिटी है पूरे ईरान के अंदर। और आज तक ईरान में केवल 2 ही हुए हैं सुप्रीम लीडर, और दूसरे कौन है? अली खुमानी। और इनसे पहले जो थे ये है रोहिल्ला खुमानी। इनकी मौत जब हुई थी 1989 में, तब से अली खुमानी यहां के कौन है? सुप्रीम लीडर है। अब समझिए है क्या। अली खुमानी के जो बेटे हैं इनका नाम है मुस्तफा खुमानी। अब अली खुमानी ये चाहते हैं कि मुस्तफा खुमानी जो है वो यहां के सुप्रीम लीडर बने इनके बाद, लेकिन ऐसा यहां की जनता नहीं चाहती है। जनता यहां की इब्राहिम रईसी को बहुत प्यार करती है, बहुत समर्थन देती है। कुछ टाइम पहले यहां पर ऐसे भी प्रदर्शन हो चुके हैं जहां पर लोगों ने यहां तक भी बोल दिया है कि जो अली खुमानी के बेटे हैं, ठीक है, मुस्तफा खुमानी, उनको यह बोल दिया है कि तुम जीवन में मर भी जाओगे तब तक तुम यहां के सुप्रीम लीडर नहीं बन पाओगे, ऐसा बोल दिया है। मतलब यहां की जनता जो है वो पहले ही ये साफ कर चुकी थी कि इब्राहिम रईसी आने वाले टाइम पे सबसे बड़े दावेदार है सुप्रीम लीडर की पोस्ट के लिए। अब आपको चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही होंगी कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है यहां का वो कहीं ना कहीं इब्राहिम रईसी के पीछे था। अब अगर इतिहास उठाकर देखें, अभी एक करंट पिक्चर पर भी आएंगे कि आज क्या वहां पर चल रहा है, तो ईरान में आपको ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो भी राष्ट्रपति वहां के जब तक पावर में रहे हैं तब तक तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब पावर से हटे हैं तो कई बार उनके जो फैमिलीज हैं उन पर अटैक हुआ है, कई बार तो पूरी की पूरी फैमिली गायब हो गई। अब आप यह समझ लीजिए इस तरीके की सिचुएशन रही है। इवन एक और बात, आज की डेट में ये जो हादसा हुआ ये आज नहीं हुआ, ये कल हुआ था। कल दोपहर में 3 बजे ये हादसा हुआ है जब अजरबैजान से हेलीकॉप्टर आ रहा था। इस हेलीकॉप्टर में 9 लोग थे और इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी थे,
इवन इतना ही नहीं, अली खुमायनी जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें थे। तो जब वो 3 बजे क्रैश हो जाता है हेलीकॉप्टर, टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 सेफली लैंड हो गए, 1 क्रैश हो गया। जब वो क्रैश हुआ तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, और आज थोड़ी देर पहले ही उस बात की पुष्टि कर दी गई है कि उसमें से कोई भी नहीं बचा होगा, कोई अवशेष तो पाए नहीं गए हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कि यह पुष्टि कर दी गई है कि कोई भी उसमें बचा नहीं होगा, यह 100% चांसेस है। एक और बात, कल क्रैश हुआ और आज इस बात की पुष्टि करी जा रही है, और जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई है तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि जो सुप्रीम लीडर है यहां के अली खुमायनी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है मुखबिर को एज अ इंटर्म हेड होने के लिए। इन्होंने तुरंत एक्शन लेना यहां पर चालू कर दिया है, जबकि पूरे तरीके से अभी पुष्टि नहीं हुई है कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कहां होंगे या बच भी सकते होंगे। 24 घंटे के कम के अंतराल में ही इन्होंने मुखबिर जो है इनको इंटर्म हेड डिक्लेयर कर दिया है। ईरान का जो सुप्रीम लीडर होता है उसे कैसे चुना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखें। जो यहां का सुप्रीम लीडर है, पहली चीज, या तो वो खुद अपना पद छोड़ दे, उस केस में यहां की जो काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो अगला सुप्रीम लीडर चुनेगी अपनी वोटिंग के थ्रू। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में भी काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ही चुनेगी अगला सुप्रीम लीडर। इसका मतलब यह है कि जनता यहां पर पहले से ही चाह रही थी कि इब्राहिम रईसी जो है वो यहां के नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बने, तो इंटरनल फैक्टर्स भी यहां पर हो सकते हैं। इसी वजह से ईरान को फॉलो करने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो इन चीजों की भी पुष्टि कर रही हैं। ईरान में जो पॉलिटिकल द्वंद्व चल रहा है, अगर वो आपको अब समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिनको नहीं पता है उन्हें भी इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिए, इस वीडियो को प्यार मिलना ही चाहिए। आप मेरी किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, या फिर राज्य का कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप मेरी स्टैटिक GK की बुक आज ही Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर पे। ये किताब मैंने दोनों भाषाओं में लॉन्च करी हुई है, हिंदी और इंग्लिश में, आप जिसमें चाहें उसमें मंगा सकते हैं। इस किताब में मैंने स्टैटिक GK में कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, सारी चीजें टेबल के फॉर्मेट में कवर करी हुई है। इतना ही नहीं, 2100 से ज्यादा मैंने स्टैटिक GK के बेस्ट क्वेश्चंस भी यहां पर दिए हुए हैं। यह किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मुझे पता है जो किताबें आज की डेट में मार्केट में है उसमें सिर्फ थ्योरी फॉर्म में स्टैटिक GK मिल रही है या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में, यहां पर आपको सारी चीजों के फॉर्म में स्टैटिक GK मिल रही है। इसके अलावा कुछ भी बच के जाता ही नहीं है स्टैटिक GK में। इन किताबों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा GS GK का फाउंडेशन बैच हर एक SSC एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए और स्टेट PCS तक के एग्जाम के लिए आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पर मेरा GS का फाउंडेशन बैच जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के PYQs और वन लाइनर का क्रैश कोर्स अलग से आपको बोनस के रूप में दिया हुआ है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।